झोपड़पट्टियों में कौन मारता है, किसको मारता है, दारू पी के आके पहला एक आदमी अगर कहीं अपनी मर्दानगी बताता है ना तो अपनी महिला पर बताता है। अगर ये दारू संस्कृति इस देश में प्रबल हो गई तो महिलाओं पर अत्याचार होंगे। आज तो निर्भया कांड हुआ, हजारों निर्भया कांड होंगे। मैं नम्रतापूर्वक विनती करना चाहता हूं कि सेलेक्टिव कहीं करना हो तो आप उसका एक रिसर्च करके, आदित्य जी के मन में एक युवा नेता है, उनके मन में कोई विचार हो जरूर करें, पर उसके पहले विचार करें कि क्या दारू संस्कृति से भारत का भला है, क्या दारू संस्कृति नाइट लाइफ नहीं बोलते, दारू संस्कृति बोलते। हाँ, दारू संस्कृति, नाइट लाइफ नहीं है, दारू की संस्कृति है ये पीने की। व्हाट इज नाइट लाइफ, रात भर नाचना, ये भारतीय हित में है क्या? रात भर नाचना ये भारतीयों के युवाओं के हित में है क्या? रात भर नाचना ये भारतीय संस्कृति के हित में है क्या? ये देश में कुछ चीजें, ये हमारी कोई मान्यता है ना इस देश की? ये राम कृष्ण महावीर और बुद्ध का देश है ना? यहां कहीं नहीं कहा कि दारू की संस्कृति हो और रात भर नाचो, हमारी संस्कृति ये कहीं नहीं कहती कि युवाओं नाचो बंद करो। जहां जिस गली में बार होगा, जिस मोहल्ले में बार होगा, वहां के लोगों की निंद का क्या होगा?